बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आई एम योर टीचर मिस सिनानाज। टुडे वी शैल स्टडी साइंस ऑफ क्लास 6, लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज सेंस ऑर्गन। स्टूडेंट्स, द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द ईयर। यू कैन फाइंड दिस टॉपिक ऑन पेज नंबर 18। सो लेट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आपको पता है कान का, ईयर का मतलब है कान। ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। हमारे पास कान हमारे जिस्म का वो अज़ा है जिसे हम सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, ठीक है। हम अपने कानों को आवाज़ें सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। जैसे आप टीवी पर कार्टून देखते हैं, ठीक है, तो आपको वो कार्टून देखते साथ साथ आप आवाज़ें भी सुन रहे होते हैं उन कार्टून्स की, और वो आवाज़ें आप तक पहुँचती हैं आपके कानों के जरिए से। इस तरह आप अभी मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं, ठीक है, तो मेरी आवाज़ भी आप तक पहुंच रही है आपके कानों के ज़रिए से, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ ईयर पर। हमारे पास कान के 3 पार्ट्स हैं, 3 हिस्से हैं। पहला हमारे पास है आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। बैरूनी कान है, दरमियानी कान है, और फिर अंदरूनी कान है, ठीक है। अब हम बारी बारी इन पार्ट्स को स्टडी करेंगे और इनके फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ईयर की डायग्राम है। ये फिगर आप देख सकते हैं पेज नंबर 19 पर अपनी किताब के। ये देखिए, ये वो कान का हिस्सा है जो हमें नज़र आता है बाहर। इसको हम कहते हैं पिन्ना, ठीक है। ये कार्टिलेज का बना हुआ है, आप अपने हाथ से इसको मरोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पिन्ना। उसके बाद ये देखें, ये कान का वो ओपनिंग है, सुराख है, ठीक है। यहाँ से आवाज़ अंदर जाती है, इसे हम कहते हैं ईयर कनाल, ठीक है। पिन्ना और ईयर कनाल मिलकर बनाते हैं हमारे पास आउटर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर में 2 पोर्शंस हैं, पिन्ना एंड ईयर कनाल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिडल ईयर। मिडल ईयर में हमारे पास आ जाती हैं ये ईयर ड्रम के उस तरफ, हमारे पास मिडल ईयर स्टार्ट होते हैं। ईयर ड्रम, इसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हैमर मौजूद है, एनविल मौजूद है, और स्ट्रिप मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास जो पार्ट आता है ईयर का, वो है इनर ईयर, अंदरूनी हिस्सा, ठीक है। ये बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर ये हमारे पास कोकलिया मौजूद है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑडिटरी नर्व है। ऑडिटरी नर्व जो है वो ब्रेन तक लेकर जाती है मैसेज, और फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हम कौन कौन सी आवाज़ें सुन रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पूरा कान का स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको शो करवा दिया। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे आउटर ईयर, फिर देखेंगे मिडल ईयर, एंड देन लास्ट पर हम पढ़ेंगे इनर ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं आउटर ईयर पर। मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया कि आउटर ईयर के 2 पोर्शंस हैं, पिन्ना एंड ईयर कनाल। पिन्ना हमारे पास आउटर ईयर होता है, और ईयर कैनाल लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है। आवाज़ पिन्ना से लटक कराती हैं, उसके बाद ट्यूब से गुजरकर फिर आगे ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं। फंक्शन इसका क्या है, पिन्ना कलेक्ट्स द साउंड वेव्स फ्रॉम द ईयर अराउंड। जो पिन्ना है वो हवा में से साउंड्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। द साउंड वेव्स देन ट्रेवल अलॉन्ग द एयर कैनाल, देन पिन्ना से गुजर कर वो हवा जो है उसमें से आवाज़ें जब हमने सेपरेट कर ली, सेपरेट होने के बाद वो साउंड वेव्स जो हैं वो एयर कैनाल तक आती हैं, ठीक है। एयर कैनाल पर आने के बाद फिर आगे आवाज़ें कहाँ जाती हैं, नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है मिडल ईयर, हमारे पास दरमियानी कान। द आउटर ईयर इज़ कनेक्टेड टू द मिडल ईयर बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द ईयर ड्रम। हमारा जो आउटर ईयर है वो मिडल ईयर से किस तरह से कनेक्टेड है, दरमियान में ये हमारे पास एक झिल्ली मौजूद है, एक छोटी सी बारीक सी, उसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। हम ईयर ड्रम को कान का पर्दा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आउटर ईयर है तो दरमियान में ईयर ड्रम है, और ईयर ड्रम के नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हमारे पास मिडल ईयर होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है ईयर ड्रम का,
फंक्शन हमारे पास है ईयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक इट। जैसे ही हमारे पास ईयर ड्रम मेम्ब्रेन जो है, झिल्ली जो है, उसके ऊपर आवाज़ टकराती है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसमें हताश पैदा होना शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। उसके बाद मिडल ईयर इज फिल्ड विद एयर, अंदरूनी जो दरमियानी कान है उसके अंदर हमारे पास हवा भरी हुई होती है, ठीक है। उसके अलावा इट हैज़ थ्री बोन्स, इसमें तीन हड्डियाँ हैं। हमने अभी फिगर देखा, उसमें हमने देखा हैमर, एनविल और स्ट्रिप। उसके बाद हम आ जाते हैं इनर ईयर पर, लास्ट पार्ट है हमारे पास ये हमारे कान का। इसके अंदर लिक्विड फिल हुआ होता है, ठीक है। आवाज़ जो है ईयर ड्रम से टकराकर मिडल ईयर पे जो हमने थ्री बोन्स पड़ी उनसे टकराती हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनर ईयर में चल जाती हैं जहाँ पर लिक्विड मौजूद है। इट हैज़ अ कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड कोकलिया। इसमें हमारे पास एक कॉइल से जो स्ट्रक्चर है हम कोकलिया कहते हैं। असल में यही एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पर जो आवाज़ है हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम क्या सुन रहे हैं, हम उनको महसूस भी कर सकते हैं और हम उनको समझ भी सकते हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि यही एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन है। स्टूडेंट्स, द कोकलिया सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व। मैंने अभी आपको ऑडिटरी नर्व भी दिखाई थी। कोकलिया से जो सिग्नल्स हैं उन्हें हम ब्रेन में भेज दिया जाता है, और किसके जरिए से भेजा जाता है, ऑडिटरी नर्व के जरिए से। ऑडिटरी नर्व जो है वो ब्रेन तक मैसेज लिख जाती हैं आवाज़ों का जो हम सुनते हैं। लास्ट पर ये फ्लो चार्ट है जिससे हम फंक्शनिंग ऑफ ईयर को अंडरस्टैंड करेंगे। साउंड वेव्स जो हैं वो पहले जाती हैं पिन्ना में, पिन्ना से जाने के बाद ऑडिटरी कैनाल से होते हुए वो पहुँचती हैं ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होती है और साउंड वेव्स जो हैं वो जाती हैं उन थ्री बोन्स पर, मिडल ईयर में जो है हैमर, एनविल और स्ट्रिप। वहाँ से फिर आवाज़ जाती है कोकलिया में, ये इनर ईयर का पार्ट है, और यहाँ से आवाज़ें जो हैं वो ऑडिटरी नर्व के जरिए से हमारे ब्रेन में चली जाती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ईयर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन भी बजा दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.